रखे है न्यू कुक जो कि हमारी दीदी है यानी बड़ी दीदी। देखो मेरे हाय कर हाँ। एक पैकेट ले तो दो नहीं मैम मैं दो खा रही थी नहीं दे दे मैं नहीं खा रही थी। टेस्ट कर लिए पहले एडवांस में और चावल भी बन चुके हैं। हेलो एवरीवन हर हर महादेव। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है शाम के 8 बजे से। ये देखिए बहन को आ रखा है बुखार जो कि सो रखी है ताकि उसे काम ना करना पड़े। और हमारे घर आए हुए गेस्ट भाभी का भाई ये है भाभी जिनकी की उन्होंने मेडिसिन लगा रखी है। और यहाँ किचन में आ रखे है न्यू कुक जो कि हमारी दीदी है यानी बड़ी दीदी। देखो मेरे हाय कर हाय। तो ये है दीदी जो कि आज बना रही है चटपटा खाना। देखिए हम बना रहे सोयाबीन और आलू और गोभी की सब्जी। चावल हमारे बन चुके हैं और देखते हैं फिर और क्या क्या बनाएंगे है ना। इनके जीजू थे ये देखिए और मेरे भी वो जीजू होते हैं ऐसा नहीं है। और ये देखिए उन्होंने हमारे लिए ला रखे सालियों की नहीं लेस ले बहन एक पैकेट ले तो दो नहीं मैम मैं दो खा रही नहीं दे दे मैं नहीं खा रही थी। ये जी इसका बहुत बड़ा डेल हो ले चुपचाप से खा मिल रहा फ्री में जीजू ला रखे तेरे ले वो तो मैंने रख दिए नहीं तो मैं मत खा रही पढ़ने दे उसे उधर ही चुपचाप से खा ले जाए ड्राम मत किया कर। इसका बचपन से यही रहता है कि पहले इसे ज्यादा चाहिए होती है कोई बात ही बोला बोला चलो कभी कभी कोई चीज चलती है ये थोड़ा कि हर बार उसको ज्यादा ही चाहिए होता है। दो मैं ना खाऊं और ना तीन साली है ना तीनों किलो बराबर ला रखे एक एक तीन साली है और तीनों किलो बराबर। हाँ हाँ राम जी की मूर्ति बनी वो काली क्यों है काली क्यों है काले थे किस पत्थर की बनी है वो हम भी काले हैं काले किस किस के किसके पत्थर किस पत्थर की बनी हुई पता नहीं बट मैंने जाना तो मेरे को पता है वो मतलब नेपाल से मंगाया गया था। अच्छा नहीं 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 ये अपना उत्तरा उधर ही भारत का ही है वो पत्थर शालिग्राम से बनी हुई है क्योंकि विष्णु जी का रूप किसी से माना जाता है शालिग्राम से। और उसमें ना दस तो शालिग्राम की है अंदर शिवजी वाली। हाँ ये पत्थर होता है ये इधर साउथ में ज्यादा मिलता है इधर कहाँ मिलता है ये अभी 100 है बुखार है थोड़ा सी है कैसा और आपको बुखार तेरा दिखाए। तो दोस्तों हमारी सब्जी तो पक चुकी है अब सब्जी तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ये देखिए एकदम झका बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई मैं टेस्ट कर लिए पहले एडवांस में और चावल भी बन चुके हैं। तो अब मैं लगा देती हूँ सबके लिए खाना ठीक है। रोटियाँ भी बना दी दीदी ने ये देखिए रोटियाँ भी बनी हुई ये त्यार लाई थैंक यू जी दीदी तो दोस्तों अभी जुखाम से गर्दन थोड़ा और नीचे करो और ऐसे वहाँ पूरा चिपका दो। और यहाँ बाकी जो है सब लोग सो गए लग गए अपने अपने हिसाब से। और अभी बहन जी के लिए जा रही भाप बहन जी कैसे महसूस हो रहा था बढ़िया आवाज कुछ आने रही दोस्तों तो आई होप वो ठीक हो अंदर उसके चल रही सांस चल रही चल रही। देखिए अभी मैंने इसको जो है ऊपर से रजाई दे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हर हर महादेव। अभी दूसरी सुबह हो गई और कल रात का ब्लॉग जो है मैं एंड नहीं कर पाई क्योंकि सब सो गए थे और मैं भी सो गई थी सबसे लेट तक मैं ही रही थी क्योंकि मैंने वो स्टीम वगैरह ली थी। और अभी जो है मॉर्निंग का बजने वाले 7 और हम लोग तैयारी हो चुकी है सब लोगों की जाने की सब जा रहे हैं हरिद्वार और पूरा रूम जो है बुरी तरह से फैला हुआ है और तैयार तो सब हो गए सबने हाथ मुँह वगैरह धुल दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जो है कल रात वाला ब्लॉग जो है उसको यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर जर्नी के साथ। अब जाएंगे अभी बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं है कि हम लोग कितने और हमसे पहले तो मुझे लगता है भैया लोग ही पहुंच जाएंगे भैया लोग हमें इतनी बार कॉल भी आ चुका है। तो फिर कुछ खा लेते हैं और पेट पूजा करके फिर निकलते हैं ठीक है ओके बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले सी यू टेक केयर।